कभी बेचा सोडा तो कभी मोबाइल की दुकान पर किया काम। जानिए फिर शालिन भनोट कैसे बने टीवी के टॉप स्टार। दोस्तों, शालिन भनोट मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं, जहां पर एक कारोबारी परिवार में उनका जन्म हुआ। वहीं से एक्टर ने 12वीं क्लास तक की अपनी पढ़ाई भी पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद शालिन ने पहले तो सेल्स में नौकरी की और पॉकेट मनी के लिए एक्टर ने सोडा बेचना भी शुरू कर दिया था। इस दौरान उनके मन में एक्टर बनने का सपना जागा था और वो इसके लिए मुंबई चले गए। लेकिन यहाँ का सफर भी शालिन के लिए कुछ खास आसान नहीं रहा था। एक्टर को अपना गुजारा चलाने के लिए एक मोबाइल की दुकान में काम करना पड़ा था, जहाँ अक्सर दुकान का मालिक एक्टर को डांट लगाया करता था। इसका खुलासा खुद शालिन ने ही एक इंटरव्यू में किया था। काफी दिनों का स्ट्रगल झेलने के बाद एक दिन शालिन का सिलेक्शन रोडीज में हो गया और यहाँ से उनकी किस्मत पलटने लगी। रोडीज के बाद एक्टर को टीवी में काम मिलने लगे। शालिन ने अपने अभी तक के करियर में करीब 30 से अधिक फिक्शन और नॉन फिक्शन शोज में काम किया, जिसमें कुलवधु, गृहस्थी, सात फेरे, सलोनी का सफर और नागिन 4 जैसे शोज शामिल है। वहीं टीवी के अलावा एक्टर बॉलीवुड में भी डेब्यू कर चुके हैं। उन्हें फिल्म प्यारे मोहन में देखा गया, जिसमें शालिन के स्टार विवेक ओबेरॉय, ईशा देओल और अमृता राव भी थे। बता दें कि साल 2008 में शालिन ने टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद ही दोनों में मनमुटाव होने लगा था और कपल ने तलाक ले लिया। दोनों अब एक बेटे के पेरेंट्स भी हैं। आज शालिन भनोट एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। उनके पास सिर्फ महंगी बाइक ही नहीं बल्कि ऑडी, BMW जैसी कई सारी लग्जरी गाड़ियां भी है। तो शालिन की इस जर्नी पर आपका क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम गॉसिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।